सब्सक्राइब करिए ईएमटी सॉल्यूशन चैनल को लेटेस्ट टेक वीडियो और सभी तरह के टेक्नोलॉजी रिलेटेड सॉल्यूशन पाने के लिए और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आप सभी के चैनल एमटी सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एडवांस प्रिंटिंग के बारे में। अगर आपसे प्रिंट आउट देने के लिए बोला जाए तो आप कंट्रोल पी दबाएंगे या बेसिकली सिंपल सा आप वहां पे ऑप्शन आता है प्रिंट देने का, वहां जाकर प्रिंट आउट देते हैं पेज का। बट काफी केसेस में आपका डेटा काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। एक्सेल की हम बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते हैं, या किसी भी डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, तो एक्सेल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि काफी सारी रोज होती है, कॉलम होते हैं, सेल्स होते हैं, तो इस वजह से डेटा ज्यादा बड़ा होने की वजह से आप प्रिंट आउट नहीं दे पाते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिस्क्राइब करूंगा कि भैया कैसे हम कंप्लीटली शीट का प्रिंट आउट देंगे अगर हमारा शीट काफी बड़ी है। अगर और साथ ही अगर मान लीजिए आपकी शीट में पर्टिकुलर डेटा है, छोटा सा डेटा है, उसका प्रिंट आउट देना है, या मान लीजिए आपको अलग से कोई एक सेल्स या रो का प्रिंट आउट देना है, तो कैसे हम देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सामने सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो मैं आप सबके लिए लाता रहता हूं, जिससे आप एक कंप्यूटर में एक्सपर्ट बन सकते हैं, एक्सेल के अंदर एक्सपर्ट बन सकते हैं और जल्दी से जल्दी इन चीज को चलाना सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, जैसा कि मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे मैंने एक एक्सेल शीट ओपन कर रखी है। तो दोस्तों अब मान लीजिए पूरे शीट का मुझे एक प्रिंट आउट देना है, तो बेसिकली आप जानते हैं कि इतनी बड़ी शीट है तो कैसे एक पेपर पे आ पाएगी। तो पहले मैं आपको प्रिंट पेपर दिखा देता हूँ। दोस्तों ध्यान रखिए, जब भी कोई प्रिंट देते हैं तो प्रिंट पेपर पर जाना ना भूलें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा भैया मेरा प्रिंट आउट कैसा आ रहा है। तो ये तो एक तरीका हो गया, बेसिक तरीका हो गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि नॉर्मल सा मेरे सामने शीट आ रही है, वो 1 और 2 दो पेजेस में आ रही है, तो मुझे इसको एक पेज में एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि आप बेसिकली एक शीट में अगर डेटा है तो आप मैनेज कर लेते हैं, बट दो शीट में कैसे मैनेज करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे वापस चल जाता हूँ, आप देख सकते हैं प्रिंट पे गया, मैं प्रिंट पे भी देखा दो शीट में डेटा आ रहा है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं मार्जिन आ रहा है, मैं शो मार्जिन पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों बेसिकली यहाँ शो मार्जिन पे क्लिक करने पे थोड़ा बहुत आप यहाँ से एडजस्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस सेल्स के अंदर आ रहा है, तो मैं स्पेस को यहाँ से मैनेज कर लेता हूँ। ये जो काम होता है वो मार्जिन से होता है, तो आप ये ध्यान रखिए कि मार्जिन से स्पेस मेंटेन करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे अपने स्पेस मेंटेन कर लिया तो फिर आप बाद में जो आपके डेटास होंगे परफेक्ट वे में बिल्कुल सही तरीके से एडजस्ट हो पाएंगे, बिल्कुल सही तरीके से आ पाएंगे। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अगर आप इसको कहीं से छोटा करने की कोशिश करेंगे, फ़ॉन्ट को छोटा करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा कि सब कुछ बिगड़ जाएगा और आपको फ़ॉन्ट दिखेगा भी नहीं। तो यहाँ से आप पहले मार्जिन सेट कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों मान लीजिए इतनी बड़ी शीट है बाकी अभी नहीं आ पा रहा है, तो अब क्या किया जाए कि मार्जिन तो मैंने सेट कर लिया, बचा ही नहीं जगह, तो मुझे पेज सेटअप पे जाना है। यहाँ आप देख पा रहे हैं पेज सेटअप पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एडजस्ट टू, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, यानी 100% है तो मैं इसे कम कर देता हूँ। पहले मत करिएगा वरना फॉन्ट बहुत छोटे हो जाएंगे, तो पहले मार्जिन सेट करिएगा। आप देख सकते हैं इतना आ चुका है, अब थोड़ा सा मैं और सेट कर लेता हूँ मार्जिन को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेस इसमें बीच में बच रहा है, इससे ज़्यादा मत करिएगा और फिर थोड़ा सा उसको कम कर लीजिएगा। पहले अप्लाई करने पे इसके फॉन्ट बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, इसलिए पहले अप्लाई मत करिएगा। आप देख सकते हैं मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ, आप देख पा रहे हैं कि डेटा पूरा तरह से मैनेज हो चुका है। और मान लीजिए कि डेटा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, तो आप इसको लैंडस्केप मोड पर घुमा सकते हैं। दोस्तों क्या होता है, दो मोड होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, मैं दिखा देता हूँ आपको। पहले मार्जिन सेट कर लीजिएगा, उसके पेज सेटअप पे जाइएगा, पेज सेटअप पे जाने के बाद आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो तरीके हैं, इससे पेज जो है वो लैंडस्केप मोड पे आपका पूरा डेटा आ जाएगा। बट ये जो तरीका मैंने आपको बताया है ये सबसे बेस्ट तरीका है इसको लेने का यूज में, चाहे कोई भी डेटा हो इस तरीके से आपका मेंटेन हो सकता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गए हमारे सिंपल सा पेपर को सेट करके एक प्रिंट आउट देने की बात। अब दोस्तों काफ़ी केसेस में क्या होता है, हमें केवल इस सिलेक्टेड प्रॉपर्टी का, इस सिलेक्टेड डेटा का ही प्रिंट आउट देना है। तो अब क्या किया जाए, क्योंकि ऐसे तो बेसिकली अगर मैं सिलेक्टेड प्रॉपर्टी का प्रिंट आउट दूंगा और कंट्रोल पी कर दूंगा तो फिर कैसे पूरा का पूरा पेज ही निकल जाएगा। अब यहाँ पे केवल इतना सा जो सिलेक्टेड जो नेम कॉन्टैक्ट सिटी लिखा हुआ है केवल इसी का प्रिंट आउट आना चाहिए। तो मैं पहले प्रिंट व्यू देख लेता हूँ, आप देख सकते हैं कि मैंने प्रिंट व्यू देखा तो पूरा का पूरा प्रिंट आउट निकल के आ गया। अब क्या किया जाए, तो आपको पेज सेटअप पे जाना है। पेज सेटअप पे जाने के बाद आप देख सकते हैं मैंने इसे सिलेक्ट किया था नीचे वाले डेटा को, आपको उसे सिलेक्ट करना है सबसे पहले, उसके बाद आपसे प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए। सिलेक्ट कर यहाँ पे आपको सिलेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, आप इसे सिलेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सिलेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो केवल सिलेक्टेड डेटा है वो आपको यहाँ पर प्रिंट आउट आ जाएगा। उसका कैसे आएगा, आप देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू के अंदर जो सिलेक्टेड डेटा है वो आ चुका है, और उसके बाद आप इसे मैनेज कर सकते हैं, इसको अप डाउन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मैं मार्जिन वगैरह सेट कर सकता हूँ अभी इसका,
तो आसानी से मार्जिन भी सेट कर सकते हैं, प्लस ये पूरे एक पेज पे मैनेज भी है जो आपको चाहिए, एंड ऐसे प्रिंट दे दीजिए। इस तरह से आप अपने प्रिंटआउट को दे सकते हैं दोस्तों। ये काफ़ी बेस्ट तरीका है और इसके बाद कोई तरीका नहीं होता, इसके बाद कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि आपको कुछ एडवांस पूछा जाए, यही एडवांस होता है प्रिंट देने का तरीका। इसके बाद सारी प्रिंटिंग ऑप्शन फिनिश हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अभी कमेंट करके बताइए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों, और साथ ही मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहूँ।